अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन होंगे। जनाबे वाला, आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल्स के ऊपर कि हम अपने आर्टिकल्स अखबारात में कैसे छपवा सकते हैं। ये वो सवाल है जो मुझे काफ़ी अरसे से जिसका सामना करना पड़ रहा है और जो मुझसे अक्सर मेरे फैलोज, मेरे फ्रेंड्स और मेरे बच्चे, छोटे बच्चे जिनको मैं टीच करती हूँ, वो भी पूछते रहते हैं कि हमने अखबारात में आर्टिकल लिखना है। जनाब वाला, जब कोई राइटर लिखता है तो सर्टनली वो राइटर अपने लिए नहीं लिखता, वो लोगों के लिए लिखता है और वो लोगों के लिए ही लिखना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी लिखी गई जो अबारत है या उसकी लिखी गई जो अल्फाज हैं, वो लोग पढ़ें और उसको अपने साथ कनेक्ट करें, अपने साथ जोड़ें, ताकि उसके लिखने का जो मकसद है वो पूरा हो। आज मैं जिन पॉइंट्स को कवर करूंगी वो उन एरियाज के लिए बहुत अहम हैं। देखिए, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में जब भी बात करती हूँ मैं बड़े शहरों की बात के बारे में बात नहीं करना चाहती। वहाँ ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है और उनके लिए ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी रहनुमाई कर रही हैं। मैं जो आज बात करूँगी, मैं बात करूँगी छोटे शहरों के लिए, गुजरात और ऐसे इलाकों के लिए जहाँ बच्चों को दूर दूर तक पता नहीं है, उनके अंदर शौक है, पैशन है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती, उन्हें पता नहीं चलता कि हम कैसे करें। यहाँ पे तो उन्हें कहीं करीब कोई, स्पेशली गर्ल्स के लिए, कि हम अखबारात के खानों में नहीं जा सकते, हम दफातर में जाके रोज़ रोज़ नहीं धक्के खा सकते। इस्लामाबाद, चले इस्लामाबाद को छोड़े, लाहौर, कराची में तो आपको जगह जगह एक एक अखबारात खाना मिलता है, जहाँ आप जाते हैं और जाके अपनी चीज़ें पेश कर देते हैं, रसाला जात आपको मिलते हैं। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि छोटे शहरों वाले काम करना शुरू कर दें। असल हीरे यहीं से निकलते हैं और इन हीरों को ही हमने पॉलिश करना है। ओके, अगर आपको लिखने का शौक है, पहली बात आपने, और लिखना चाहते हैं, पहला काम जो आपने करना है, नंबर वन, पढ़ना शुरू कर दें। हमेशा लिखने के लिए दो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, दो चीज़ें। नंबर वन, स्टडी, मुतालिया, आपका मुतालिया बहुत अच्छा होना चाहिए और ये ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे फ्लो स्टॉप कर देते हैं तो आपके दिमाग में कोई नई चीज़ नहीं आती है। अगर आपके दिमाग में कोई नई चीज़ ही नहीं है तो आपके लिखाई में कोई नया रंग नहीं आएगा, कोई नई चीज़ नहीं आएगी, तो वो आगे पढ़ने वाले को मज़ा नहीं आएगा। नंबर दो, अपनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करें। ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं, एक आप देखें कि वो किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, ऑब्जर्व करें। राइटर के लिए ज़रूरी है कि वो नोटिस करे, राइटर के लिए ज़रूरी है कि उसकी फीलिंग ज़्यादा हो और वो फीलिंग के साथ चीज़ों को ऑब्जर्व करे, वो एहसास करे, वो जज्बात को समझे और हर चीज़ को नोटिस करे और बारीकी से नोटिस करे। अगर ये दो चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप एक अच्छे लिखारी बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ग्रामर, लिखाई, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें खुद ब खुद ही ठीक होना शुरू हो जाती हैं। मैंने लिखना शुरू किया था सिर्फ एक लाइन से, आज मैंने 400-500 से ज़ायद की किताबें भी लिख चुकी हुई हूँ, लेकिन जब शुरू किया था सिर्फ एक लाइन से। और वो लाइन भी ऐसे थी कि दिन भर जो भी मेरे रोज़मर्रा के काम होते थे, मैं उनके बारे में आके एक एनालिसिस, एक समरी, एक पैराग्राफ, एक लाइन आके लिख देती थी कि आज ये कुछ हुआ, फलाह ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, परान ये कहा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उस ये लिखते लिखते कब पैराग्राफ्स में चीज़ें कन्वर्ट हुई, कब कहानियाँ बनने लगी, और मेरे पास इतनी मोटी मोटी जो किताबें हैं वो भी शायद मेरे यहाँ कहीं करीब पड़ी हुई, तो हर साल 2-3 ऐसी किताबें, ऐसी कापियाँ निकल आती थी जिनके ऊपर मैंने लिखा हुआ होता था, वो मेरा काम था। लेकिन अब मुझे छपवाने के लेवल तक जाना है, तो अगर आपने छपवाना है अखबारात में, पहले तो अखबारात में जब आप नए नए काम करते हैं और छपवाते हैं, आप जब अपनी अभी सलाहितों को पॉलिश कर रहे हो तो आप पैसों को भूल जाओ। अभी आप अपनी सलाहितों के ऊपर फोकस करें कि मुझे राइटिंग को निखारना है। और इसके लिए मैं प्रेफर करूंगी कि अगर आपके अंदर राइटिंग का कीड़ा है तो स्कूल लाइफ से ही शुरू कर दें। टॉपिक्स कैसे चूज करने हैं, स्टार्ट में आप अपनी सोचों को, अपने मन में जो ख्यालात हैं आप उनको नहीं ले सकते, ये मेजर गलती है जो हमारे बच्चे करते हैं। हमें स्टार्ट में अगर आपने एक अपना क्या कहते हैं कि कनेक्शन बनाना चाहते हैं, और अगर आप अपना दुकान खड़ी करना चाहते हैं, मजबूत जगह बनाना चाहते हैं अखबारात में, रिसालों में, तो आपको ऐसे टॉपिक्स को लेना होगा जो माशरे में इस वक्त टॉप पे हैं,
जो माशरे के मसाइल हैं जिस पे बात हो रही है, तालीम, बेरोजगारी, इस तरह की चीजें स्टार्ट में आपको लेनी होंगी। अब इनके लिए मैं क्या करती थी कि जब मैं कोई आर्टिकल लिखती थी तो मैं आर्टिकल को सियासत हो गई जैसे आर्टिकल को एक आर्टिकल उससे रिलेटेड 5-6 आर्टिकल पढ़ती थी, उनका जो एनालिसिस होता था, निचोड़ होता था, वो उसके ऊपर मैं लिखती थी और वो मेरा आर्टिकल बन जाता था। अब वो मैं सेंड कर देती थी। मैं अभी तक किसी भी, मैंने अखबारात, मैंने मुख्तलिफ चैनल्स के साथ, मैंने पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं उन सबके लिए ब्लॉग लिखे हैं, मैंने इंटरनेशनल भी बहुत सारे चैनल्स के लिए ब्लॉग लिखे हैं, लेकिन अभी तक मैं किसी जगह पर भी पर्सनली नहीं गई हूँ। मैं जा ही नहीं सकती हूँ, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं और ना ही मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं सिर्फ एक आर्टिकल के लिए किसी अखबार में जाऊँ, किसी रिसाले तक के तक जाऊँ। तो मैं सारा काम ऑनलाइन ही कर रही हूँ, मैंने ऑनलाइन ही बहुत सारे कनेक्शंस बनाए हैं। पहला चीज हो गई, आपने एक टॉपिक चूज करना है और टॉपिक से रिलेटेड आपके पास अच्छा खासा डाटा होना चाहिए, अच्छा खासा आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो कि इन हो, ट्रेंडिंग हो। जब आपकी जगह बन जाती है किसी इदारे में, किसी न्यूज़पेपर में, फिर आप अपनी मर्जी से जिस पे चाहें उस पे लिख सकते हैं, लेकिन पहले अभी आपको अपनी जगह बनानी है। नंबर दो पे, यहाँ दो तरीके होते हैं, गर्ल्स कुछ यूजुअली कनेक्ट नहीं करना चाहती। हमारे यहाँ कुछ इदारे ऐसे बने हुए हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जो आपकी एक मंथली सब्सक्रिप्शन आपसे चार्ज करते हैं, आपको ऐड करते हैं और आपके जो आर्टिकल्स होते हैं वो किसी जगह पे छपवाते हैं। आप डायरेक्टली किसी जगह से कनेक्शन में नहीं होते हैं, वो सारा काम करते हैं, आप काम करके उनको सेंड कर देते हो, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन इससे आपको देर पा तक कुछ मिलता भी नहीं है, आपका अपना कनेक्शन नहीं होता, आपकी अपनी जगह नहीं बनती।